हेलो बच्चों, थंबनेल पर आपने बिल्कुल ठीक दिखा है। ठीक है, अगर आपको भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लॉगरिथम को सोल्व करने में समस्या आती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। चलिए शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले लॉगरिथम क्या होता है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, लॉगरिथम को हम शॉर्ट में LOG लिखते हैं। ठीक है, लॉग रीड करते हैं इसको। यहाँ पर ये जो चीज छोटी सी आपको नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, अगर किसी लॉग में आपको बेस यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, जैसे ये खाली ऐसे लॉग LOG लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका बेस 10 है। और लॉग 10 की जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। इसलिए बेस में लॉग ये 10 लिखना कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाती है और किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लिखना जरूरी नहीं होता। ठीक है, इस बी को हम क्या लिखेंगे? बी क्या चीज है यहाँ पर? आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, बी क्या होता है? आर्ग्यूमेंट्स। अब लॉगरिथम की ये कुछ प्रॉपर्टियां हैं। देखिए, मैं पहले आपको बता देता हूँ, लॉगरिथम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इतना ही डिस्कस करेंगे जितना कि फिजिक्स या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, या फिर हमारे जो बोर्ड लेवल का जो मैथ्स है, ठीक है, उसमें यूज होता है। तो केवल ये 4 प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझनी है। तो लॉग डिस्कस कर लेते हैं। अगर लॉग ऐसे अपॉन में टर्म्स लिखी हुई है तो इसको आप लिख सकते हो लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन। अपॉन में है तो किसका साइन होगा बीच में? माइनस का। अगर ऐसे इंटू में टर्म्स है, जैसे कि हमारे पास है लॉग ऑफ एम इंटू एन, तो इंटू में टर्म्स है तो बीच में किसका साइन होगा? प्लस का। ऐसे साथ साथ आप लर्न भी कर लेंगे। ठीक है, लॉग एम प्लस लॉग ऑफ एन। ऐसे ही रेज टू पावर में, अगर आर्ग्यूमेंट के पावर में यहाँ पर एक्सपोनेंट्स कोई नजर आ रहा है, पावर नजर आ रही है, तो उस पावर को आप आगे लिख सकते हैं। तो एन आगे लिख दिया हमने और क्या लिख दिया है? लॉग ऑफ एम। ठीक है, इस फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज कब होगा? जब बेस में 10 के अलावा कुछ और होगा। ठीक है, तो उस केस में हम इस बेस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। इसको लर्न करना बहुत ही ईजी है। ये ऊपर दिखाई दे रहा है तो लॉग बी ऊपर लिख देंगे, ये नीचे दिखाई दे रहा है तो लॉग बी, सॉरी, लॉग ए नीचे लिख देंगे। ठीक है, लॉग बी अपॉन लॉग ऑफ ए। क्लियर। अब इन प्रॉपर्टी को अच्छे से समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। अक्सर न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम होती है फिजिक्स या केमिस्ट्री में, उसमें इस टाइप के केस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? आप यहाँ पर देख सकते हैं टू टर्म्स इंटू में है, और इंटू में है तो यहाँ पर ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, लॉग ऑफ एम इंटू एन। तो आप लिख सकते हैं इसको लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ 13 प्लस लॉग ऑफ 10 रेज टू पावर 15। ठीक है, अब यहाँ पर लॉग 13 तो मैंने एज इट इज लिख दिया है, प्लस यहाँ पर पावर जो है उसको आप प्रॉपर्टी नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग पावर को आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 15 जो है ये आपका ऐसे आगे आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा? लॉग ऑफ 10। अब मैंने आपको बताया था भाई लॉग 10 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 1 होती है। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। साथ ही हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, ऐसे ही लॉग 100 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 10 के मल्टीपल में ही हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 100 में कितनी जीरो जा रही है? 2 जीरो जा रही है। देखिए, पहले तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 10 रेज टू पावर 2। अब ये पावर वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 आगे चला जाएगा हमारा, और इसको हम क्या लिख देंगे? लॉग ऑफ 10। अब लॉग 10 फिर से क्या होगा? 1। तो फाइनल कितना मिलेगा? 2। यानी कि जितनी जीरोज होती है ना उतनी ही वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे लॉग 1000 की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि इसमें 3 जीरोज है। ऐसे लॉग 10,000 की वैल्यू कितनी होगी? इसमें 4 जीरोज है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, अब बात आती है 13 की वैल्यू कैसे देखेंगे। तो इसके लिए हमें लॉग टेबल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कितने डिजिट है, तो यहाँ पर 2 डिजिट है। हमेशा 1 माइनस अपनी तरफ से करना है, 2 डिजिट है, 1 हम माइनस करेंगे कितना बचेगा? 1। तो आप पहले यहाँ पर लिख लेंगे 1 पॉइंट। ठीक है, अब इसकी लॉग टेबल में वैल्यू कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, अगर इसके बाद कोई डिजिट होता तो उस पर देखते हैं, और कोई डिजिट नहीं है तो हम किस पर चेक करेंगे? 0 पर। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ, लॉग टेबल जो है वो आपकी 10 से शुरू होती है, तो आपको यहाँ से 2 डिजिट लेने हैं। तो 2 डिजिट, 13 हमने ले लिया, डिजिट बचे नहीं तो हम 0 पर चेक करेंगे, अगर कोई डिजिट बचता तो उस पर चेक करते। तो आप लॉग टेबल में 13 की 0 पर वैल्यू चेक करेंगे। लॉग टेबल लेके बैठे हैं आप साथ में, स्क्रीन पर भी आपको मैं चलो लॉग टेबल दिखा देता हूँ, इसमें देखें आप कैसे देखेंगे। देखिए, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप देखेंगे लॉग टेबल, आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा होगा 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे लिखा होगा, और इधर लिखा होगा 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे 9 तक लिखा होगा। ठीक है, तो आपको देखनी है 13 की 0 पर, तो इधर से 13 की लाइन पर जाएंगे, इधर से 0 के कॉलम पर आएंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू देखेंगे ना वो 13 की 0 पर वैल्यू होगी। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पर लॉग टेबल नजर आ रही होगी, और आप जब 13 की 0 पर वैल्यू देख पा रहे हैं तो 13 की 0 पर जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है?
13 की जीरो पर वैल्यू हमारे पास है 1139, ठीक है। कितनी हो जाएगी तो इसकी वैल्यू भाई 1139, ठीक है। प्लस यहां पर 15 आपका एज इट इज है और लॉग 10 की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई कितनी होगी 1, ठीक है। तो यहां से हो गया 1.1139 प्लस 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 प्लस 1 कितना हो गया 16, तो 16.1139 इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लॉग टेबल को और अच्छे से पक्का करने के लिए मैंने और भी एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि यहां पर है मेरे पास लॉग 3, 4, 5, लॉग 3, 4 और 5 के साथ मैं यहां पर 6 और ले लेता हूं, ठीक है, 4 डिजिट का ले लेता हूं। तो इसकी वैल्यू कैसे देखेंगे, तो आपको पता है भाई 2 डिजिट्स 10 से शुरू होता है, तो 2 डिजिट तो आपको देखने ही है यहां पर। तो यहां पर 34 की वैल्यू आप किस पर देखेंगे, 5 पर देखेंगे। 34 की वैल्यू 5 पर, आप स्क्रीन पर आपको लॉग टेबल दिखाई दे रही होगी, ठीक है। 34 की 5 पर वैल्यू जब आप देखेंगे तो आपके पास वैल्यू जो होगी इसकी, पहले देखिए डिजिट लिख लेते हैं, यहां पर 4 डिजिट है तो लिखेंगे 3 पॉइंट, ठीक है, क्या लिखेंगे 3 पॉइंट। अब आपको स्क्रीन पर टेबल दिखाई दे रही होगी, तो 34 की आप 5 पर वैल्यू चेक करेंगे, 34 की 5 पर वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो आपको दिख रही होगी 5378, ठीक है, ये मैंने यहां पर लिख दिया है 5378। अब देखिए हमने 34 की 5 पर वैल्यू चेक कर ली, उसके बाद 6 यहां पर और एक एक्स्ट्रा डिजिट नजर आ रहा है, तो इस 6 के लिए आपको देखना है कॉमन डिफरेंस, क्या देखना है कॉमन डिफरेंस। अब आपको स्क्रीन पर फिर से लॉग टेबल दिखाई दे रही होगी, इसमें येलो वाली जो पट्टी है ना उसमें कॉमन डिफरेंस ऊपर लिखा है, ठीक है। तो सेम 34 की लाइन में और 6 का कॉमन डिफरेंस अगर आप देख पा रहे हैं तो वहां पर आपको 8 नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हम प्लस कर लेंगे 8, जैसे ही इसमें हम प्लस 8 करेंगे तो यहां से आपको फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो 5386 मिलेगा, क्या मिलेगा 5386, यानी कि यहां पर हम क्या लिख देंगे 5386 इसकी फाइनल वैल्यू होगी, ठीक है। और भी एक एग्जांपल लेते हैं, डेसिमल में लेते हैं, तो ये देखिए डेसिमल पॉइंट है, अगर डेसिमल पॉइंट आपको मिलता है तो पहले आप इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव कर लेंगे, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहां पर 1546 और डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहां पर कितनी जीरोज लग जाएगी, 6 जीरोज लग जाएगी, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 6 डिजिट है, ठीक है। अब अपोन में आपको ये नजर आ रहा है, अपोन में नजर आ रहा है, तो लॉगरिथम की कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर यूज होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर यूज होगी, इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन। तो एम आपका कितना है यहां पर भाई, एम आपके पास है लॉग ऑफ 1546 माइनस एन आपके पास कितना है लॉग ऑफ 1 और 6 जीरो, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर भी इस लॉग की वैल्यू देखते हैं हम, देखिए यहां पर कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, 1 आपको अपनी तरफ से माइनस करना है, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो यहां पर 3 पॉइंट आप पहले ही लिख लेंगे। अब यहां से 2 डिजिट लेंगे, 2 डिजिट है 15, 15 की 4 पर वैल्यू आप स्क्रीन पर देखिए, लॉग टेबल दिख रही है आपको, ठीक है। 15 की 4 पर वैल्यू अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो 15 की 4 पर वैल्यू होगी 1875, ठीक है। अब हमारे पास एक डिजिट और भी बच गया है, यहां पर 6 बचा हुआ है, तो 6 की कॉमन डिफरेंस वैल्यू आप देख पा रहे हैं, कॉमन डिफरेंस पर जो वैल्यू है वो 17 होगी, ठीक है। तो इसमें 17 और हम प्लस कर लेते हैं, 17 प्लस कर लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 1892, ठीक है। इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1892, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1892 माइनस। अब यहां तो देखिए 10 के मल्टीपल हैं तो इसमें जीरो काउंट कर लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 6 को आप माइनस कर दीजिए, या यूं कह लीजिए 6 में से इसको आप माइनस कर देंगे, तो माइनस जो करेंगे तो फाइनल आंसर जो आएगा आपका, ठीक है, वो नेगेटिव आंसर आएगा, क्योंकि नेगेटिव डिजिट ग्रेटर है आपका, ठीक है। तो यहां से जो भी बचेगा वो इसका फाइनल आंसर होगा, तो डेसिमल के नंबरों को ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो लॉगरिथम में मैं काफी हद तक आपकी हेल्प कर पाऊंगा, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।